आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज ये रचना भवन में जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में दो चार शब्द आप लोग बताइए। पीएलवी नमिता जी, नमस्ते। मैं पीएलवी नमिता सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्रॉम किशनगंज। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के शुभ उपलक्ष्य पर हमारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है रचना भवन किशनगंज में, जो सभी महिलाओं को, हर हमारे प्रखंड के जितनी भी महिलाएं हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, एनजीओ के तरफ से रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं, हमारी अधिवक्ता आई हुई हैं, और महिलाओं के विषय में अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो अपने स्तर से सारी महिलाएं बाकी महिलाओं को इससे जोड़ के रखें। आप मैम, आप दो शब्द बोलना चाहिए महिला दिवस का। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को कैसा लगा प्रोग्राम? बढ़िया लगा, अच्छा। कहाँ से आई हैं आप? मोतिहारा तालुका से। आशा कार्यकर्ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी जो कीमती कीमती बातें हैं सभी ग्रहण करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ से जो भी चंद बातें जो बहुत काबिले आमोस है, जो के काबिले तारीफ और काबिले आमोस दोनों है, उसको हम लोग सभी ग्रहण करेंगे आपसे। ये हम लोग कितना एक फील प्राउड फील हो रहा है कि एक ये इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी इतनी भी नर्मदा एकदम आसान शब्दों में हम लोगों के बीच, और इस जिले के लिए, देखिए ये किसके लिए बात कर रहे हैं, यहाँ के किशनगंज के, हम सब यहीं रहेंगे, और सर का आज में कदम ट्रांसफर हो गए जो कि जिस पद में है, लेकिन उसके बावजूद भी उस दिल और लगाव के साथ जो इस किशनगंज की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो इन्होंने जो परचम सबके साथ मिलके किया है, इसके लिए हम लोग किशनगंज की तरफ से, तमाम यहाँ की महिलाओं की तरफ से, जनता की तरफ से आपको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस तरह से हम लोग को अपनी वाणी से हम लोगों को मुतमईन किया और हिम्मत दिया। हिम्मत अफजाई के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात हिम्मत अफजाई प्रोत्साहित किया। अब हम लोग चूँकि वक्त का तकाजा है, वक्त कम है, हम लोग चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समाप्त करें, और फिर बाद में हम लोग एक प्लान के साथ हम लोग मिलेंगे, और जो हम लोग बात करें वो पर्ची जो है, प्लीज जो पर्ची फाड़ लीजिएगा, ऐसा हम तुम सबसे पर्ची ले लो। प्रियंका जी, तो सब पर्ची आप उस तरह चित्र का आप ले लीजिए ना, जल्दी हो जाएगा। हम जब तक ये पर्ची है प्रियंका जी को दे दीजिए इस लाइन से बढ़ा दीजिए प्लीज, और ऐसा अंदर से आप ले लो, पीछे वाला ले लो, ताकि हम लोग को बाद में सहूलत हो जाएगी। जो बच्चे आई हैं कुछ प्रोग्राम करने के लिए, आप लोग कुछ करोगी ना, कुछ करना चाहती हो, आ जाओ, वेलकम। क्या शादा तुम्हारी टीम है, आ जाओ, बच्चे को आ जाओ, सामने में यहाँ पे आना है, बीच में, हाँ यहाँ आ जाओ। ये भी हमारे बच्चे अपनी कर्तव्य दिखाएंगे, और सेल्फ डिफेंस, हाँ, कैसे खुद की हिफाजत करें, कैसे सिक्योरिटी करें, कैसे दूसरों को हम बचा सकें, कैसे दूसरों को हम बता सकें, इस पर ये बच्चे अपने सामने कुछ कर्तव्य दिखाएंगे, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग स्कूलों में भी ये सब सिखा रही हैं और आगे बच्चियां बढ़ रही हैं। हम लोग ऐसे करके थप्पड़ मारते हैं ना,
तो ये यहाँ से कोई अगर थप्पड़ मारा तो उसको यहाँ से हम नॉर्मली अपना हाथ को इस तरीके से करके ब्लॉक कर सकते हैं। सबको दिख रहा है आराम से इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ये हमारा हाथ रुक गया बस। एक्सक्यूज मी एक सेकंड के लिए, बहुत अच्छे है इसी बीच में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी काम ही कर लेंगे। कुछ यहाँ से डालसा की तरफ से एक जो सबसे बड़ी बात है जो आज जो मिल रहा है, इल्म का खजाना। सर थैंक यू। ये इल्म का जो खजाना है, ये जो दी जा रही है कानून की कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम लोग गिफ्ट के तौर पे इसे लेकर जाएंगे और इसको देखकर अमल करेंगे। तो सर की तरफ से ये दी जा रही है सभी लोगों को, हम लोग इसको देख सकते हैं। चाहेंगे तो राजेश जी, एहसान आप इसको इस तरफ से दे दें। एक चाहे एक।